हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सनारो व्लॉग्स, यानी आपका अपना ठीक 11 बजे वाला व्लॉग। और बस अभी रेडी हूँ ऑफिस के लिए, सो चलो चलते हैं। और बाकी कल का जो व्लॉग था भाई, रात में तो खैर टाइम लगा नहीं था एडिटिंग करने के लिए, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठा था और सुबह उठ करके सारी एडिटिंग करी। व्लॉग भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा बना है और ज़्यादा कुछ एडिट भी नहीं करा। कोशिश अपनी तरफ से ये करी भाई कि जितना ज़्यादा अनएडिटेड हो सके उतना ज़्यादा छोड़ रखा उसको। सो होपफुली कल का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। सो चलो एनीवेज अभी चलते हैं हम ऑफिस के लिए। और देखो नीरू यहाँ पे कर रही है ब्रश, और डेनियल क्या कर रहा है वो भी दिखाते हैं भाई। हेलो, ये देखो भाई डेनियल कैसे बैठा हुआ है कंबल ओढ़ के, और इसका चल रहा है यहाँ पे कार्टून। बाबू छुट्टी किस बात की, आज बताते थे ओ गोलू। तो भाई आज इसकी छुट्टी है तो ये देखो मजे मारेगा घर में। बाकी मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। तो गाइस अभी टाइम हो गए हैं 6:30 और ऑफिस आ गया हूँ, चेंज वगैरह भी कर लिया। और मॉर्निंग के अलावा फिर कुछ शूट भी नहीं कर पाए क्योंकि लंच टाइम पे मैं घर तो आया था, इवन लंच भी नहीं करा। पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती सी आ रही थी ऑफिस में बैठे बैठे भी, सो आकर के सो गया था, आधा पौना घंटा सोया और फिर दोबारा ऑफिस से निकल गया था। सो एनीवेज अभी देखते हैं कहीं बाहर जाते हैं टहलने के लिए, और वहीं से कुछ खा करके आएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि भूख सी भी लग रही है। सो चलो चलते हैं अभी। अरे देखो डेनियल खा रहा है, क्या खा रहा बाबू बता दे क्या? अच्छा ला आधा मेरे को दे दे से बोलो। ये देख बच गया अभी। आ जा और कर ले उधर। किसने बताया था को नाचने के लिए? कैसे गिरा था बाबू? अभी भी तो उल्टा ही बैठा हुआ, फिर गिरेगा तो इधर। कोई नहीं है बाबू, वो तक लाइट भी नहीं है और वैसे भी चलो वहाँ भुट्टे वाला भी नहीं है बाबू, वो देख ले नहीं है वहाँ, नहीं है वो चाट वाला है बाबू, चाट वाला है। तो गाइस अभी हम लोग आए थे चाउमीन लेने के लिए, लेकिन चाउमीन वाला है नहीं डिस्पेंसरी के सामने भी, और पीछे शॉप में गए तो वहाँ खाने की जगह नहीं थी। तो अभी हम दोबारा से जा रहे हैं भाई, दालमोट वाला खड़ा होता है डिस्पेंसरी के सामने, सो दालमोट खाएँगे। और साथ ही भाई हुड्डा में देख लो लाइट ही नहीं है, और हमारी तरफ लाइट है, ये अपना मोहन नगर एरिया है, बीच में डिस्पेंसरी है और फिर ये हुड्डा हो जाता है, तो इधर लाइट ही नहीं है। सो एनीवेज चलो हम पहुंचते हैं, दाल मोट खाते हैं और फिर मिलते हैं। कैसी लाइट है? बस छेड़ खानी नहीं, देख ले गिर जाएगा गोलू, गिर जाएगा गोलू देख ले वो। अरे बैठे हुए तो आधा गलू उधर बैठेंगे। ओ हीरो उधर इन्वर्टर है बाबू। सो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर से घूम करके, और घूमते घूमते डेनियल तो खैर सो गया था, उसको हमने सुला दिया है। और ये देखो भाई डेनियल कैसे आराम से पड़ा एकदम, तो इसे नींद आ गई, दिन में सोते ही नहीं है पता नहीं क्यों। इसकी मम्मी सो रही थी उतनी देर में, इसने देखो क्या कांड करा दीवार में, तो सारी दीवारों में इसने मार्कर से लिख दिया, कुछ यहाँ फर्श में भी, पता नहीं से दिन में नींद आती नहीं है। और फिर उसके बाद नीरू सोई होती है तो ये कुछ ना कुछ दम मचा रहा होता है, और नीरू कर रही है यहाँ पे डिनर की तैयारी। सो आज बनेगी भी घर में तोरी और आलू मिक्स करके, तो ये देखो भी यहाँ पे चल रही है सब्जी की कटिंग। और पीछे मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था भी कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो सूपा बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो इसी का यूज़ करते हैं हम लोग ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे सब्जी वगैरह काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मली क्या होता है परात ले ली या प्लेट ले ली उसमें करते हैं, तो अपने इधर क्या करते हैं सूपे का यूज़ होता है, या चावल पे छाड़ने के लिए, या सब्जी वगैरह काट रहे हैं तो उसकी जो छिलके वगैरह वो रखने के लिए। बाकी देखो इधर इसने सब्जी तो काट दी है लगभग, तो चलो अब थोड़ी देर में बनाएगी, आटा भी गूंद गया है ना, तो चलो जब रोटी बनाएंगे तब दिखाएंगे भाई, क्योंकि आज का व्लॉग कुछ खास शूट तो हुआ नहीं, सुबह के बाद इधर शाम को ही टाइम लगा था। सो एनीवेज चलो जब ये रोटी बनाएगी तब शूट करेंगे और व्लॉग लंबा करेंगे उस टाइम, ठीक है? देखो कैसे मुस्कुरा रही है।
सो गाइस इधर हो गया अपना डिनर की तैयारी शुरू। इस तरह बन रही है रोटी और इधर से चढ़ा रखी तोरी की सब्जी। से देख सकते हो भाई कैसे बन रही है हमारे घर में गोल गोल रोटियां। और ये देखना रोटी कैसे फूलेगी जो अभी तवे में। तुम्हें क्यों अच्छी आ रही है? ये गई देखो पट्टी में, ये देख लो अभी पास से ये फूल गई। तो सारी रोटियां हमारी ऐसी बनती है फूली फूली। और जब तक नीरू सब्जी वगैरह काट रही थी तो मैं कुछ व्लॉग्स देख रहा था। और जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था भी जो भाई अपने जगाधरी यमुना नगर से हैं, जैसे कि व्लॉग शुरू हो गया या अजीत कनौजिया, मोस्टली वो जिनकी मेरे से मुलाकात हुई है, जैसे कि पारस मेरे से मिला था भी ट्रेड फेयर में, और अजीत कनौजिया है वो मेरे से मिला था ओपी जिंदल पार्क में। सो इन दोनों के तो मैं देखता ही हूँ। बाकी एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका भी अपना चैनल है खाओ पियो करके, तो कुछ ऐसे करके नाम है, उनके भी मैं देखते रहता हूँ। तो जो लोग जगाधरी यमुना नगर से उनके मैं कोशिश करता हूँ कि व्लॉग्स उनके मिस ना हो। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था भी सौरभ जोशी व्लॉग्स है या ट्रैवल विदाउट मनी है और कुछ दो चार और चैनल्स हैं। सो एनीवेज चलो अभी नीरू को खाना बनाने देते हैं और तब तक मैं एडिटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। हो गया व्लॉग थोड़ा लंबा क्योंकि मैं यही कोशिश कर रहा था कि ऐसा ना हो कि 2-3 मिनट का ही हो भी, क्योंकि मॉर्निंग में हुआ और फिर उसके बाद इवनिंग में शूट हुआ था। सो हालांकि अब थोड़ा बहुत हो गया डाटा, मतलब निकल जाएगा मेरे हिसाब से 5-7 मिनट का व्लॉग तो निकल जाना चाहिए। सो चलो नीरू रोटियां बना लेती है और हम इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड कर लेते हैं। चलो मेरी शक्ल भी देख ही लो फिर फाइनली। सो आज के व्लॉग को भी हम लोग कर लेते हैं यहीं पर एंड और होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं कल एक और एक नए व्लॉग के साथ। मीनवाइल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।